लखनऊ में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन अपने आप में भव्य होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन और निवेश का केंद्र बनाने के मकसद से आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो स्थल पर आयोजित होने वाला ये 3 दिवसीय कार्यक्रम अपने आप में भव्य होगा। कार्यक्रम स्थल को 7 ब्लॉक में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में उद्घाटन समारोह होगा। इस ब्लॉक में 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वीआईपी लाउंज, मीडिया सेंटर, यूपी इन्वेस्ट कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम, प्री फंक्शन ब्लॉक के साथ ड्रोन शो ब्लॉक भी बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अलग अलग सत्र के लिए भी ब्लॉक तैयार किया गया है, जिसमें विदेशी, देश और राज्य के निवेशक शामिल होंगे। अलग अलग विभागों में एक कार्य योजना के अंतर्गत पूरे शहर में अलग अलग जगहों पे काम चल रहा है और कंप्लीट हो गया अभी, जिसमें सिविल वर्क, हॉर्टिकल्चर वर्क और फसाद लाइटिंग और सिटी ब्यूटिफिकेशन पे काम किया गया। इसमें अलग अलग जगहों पे हेरिटेज बेस्ड पेंटिंग करवाई गई है और सिटी ब्यूटिफिकेशन में वॉल्स को पेंट किया गया है। बहुत सारी बिल्डिंग्स की फसाद लाइटिंग की गई है। हॉर्टिकल्चर वर्क पे बहुत बड़े स्केल पे काम हुआ है। ये कार्यक्रम कितना भव्य होगा, आप इसका अंदाजा सजे संवरे लखनऊ को देखकर ही लगा सकते हैं। आयोजन स्थल पर आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की झलक दिखाने के लिए एक भव्य ड्रोन शो शोकेस किया जाएगा। ये इस पूरे आयोजन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साबित हो सकता है। सजे धजे लखनऊ को देखकर लोगों में भी काफी उत्साह है। इस पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी मेहमान शामिल होंगे और लखनऊ की भव्यता को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी और ये मुस्कान ये बताएगी कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हिमांशु सोनकर, DD News, लखनऊ।